लघु उद्योग भारती उत्तर प्रदेश के बैनर तले 11 अक्टूबर को फतेहाबाद रोड के एनसीसी कन्वेंशन सेंटर में उत्तर प्रदेश उद्यमी महा अधिवेशन आयोजित होने जा रहा है। महाअधिवेशन में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। लघु उद्योग भारती उत्तर प्रदेश के बैनर तले 11 अक्टूबर को फतेहाबाद रोड के एनसीसी कन्वेंशन सेंटर में उत्तर प्रदेश उद्यमी महाअधिवेशन आयोजित होने जा रहा है। महाअधिवेशन में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। बुधवार को खंडारी क्षेत्र स्थित होटल लेमन ट्री में अधिवेशन के पोस्टर रिलीज कार्यक्रम में मौजूद लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रदेश में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राकेश अग्रवाल ने बताया कि अधिवेशन में प्रदेश के 60 जनपदों से 1200 से अधिक उद्यमी भाग लेंगे। अधिवेशन में उद्योगपतियों की उद्योग से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर चिंतन मनन होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश का सबसे बड़ा संगठन लघु उद्योगों का लघु उद्योग भारती की उत्तर प्रदेश की इकाई लघु उद्योग भारती उत्तर प्रदेश के द्वारा आगरा में 11 अक्टूबर को उद्यमी महाअधिवेशन होने जा रहा है, जो प्रातः 11 बजे से शाम के 5 बजे तक रहेगा। इस महाअधिवेशन में लगभग 60 जिलों से अधिक से करीब 1200 लोग इस अधिवेशन में रहेंगे और इस अधिवेशन के हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। हमारा यह महाअधिवेशन मुख्य रूप से लघु उद्योगों की वर्तमान में जो नीतिगत समस्याएं हैं उस पर लेकर चर्चा करना, उस संदर्भ में हम प्रदेश के बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे हमारी चर्चा और हम अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखेंगे, और साथ साथ जो नए उद्योग लग रहे हैं उनको भी जो कुछ थोड़ी बहुत कठिनाई आ रही है उस संदर्भ में भी हम अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखेंगे। 63 जिलों में उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग भारती का कार्य है। अधिकतर जिलों में हमारी पूर्ण इकाई है और कुछ जिलों में हमारी संयोजक इकाई है, और क्योंकि पूरे प्रदेश में हमारा प्रतिनिधित्व है तो हर जिले की अलग अलग समस्याएं हैं और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो लगभग सभी लघु उद्योगों को आती हैं। तो एक जो हमारी स्थानीय समस्या और एक नीतिगत समस्या, दोनों के स्तर पर हमारी बातचीत लघु उद्योग भारती का उद्देश्य ये रहता है कि वो उसका समाधान हो और लघु उद्योग को बढ़ावा मिले, क्योंकि लघु उद्योग ही किसी भी प्रदेश की किसी भी देश के लिए उसकी उन्नति की रीढ़ होती है। होटल लेमन ट्री में आयोजित महाधिवेशन के पोस्टर लॉन्चिंग सेरेमनी में मौजूद लघु उद्योग भारती उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं महाउद्यमी अधिवेशन के संयोजक मनीष अग्रवाल ने कहा कि अधिवेशन में लघु उद्योग भारती उत्तर प्रदेश के नुमाइंदे और प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्रालय से जुड़े उच्चाधिकारी एक मंच पर होंगे। इस अधिवेशन में प्रदेश में लघु उद्योग के प्रोत्साहन और सरकार की लघु उद्यमी की नई नीतियों पर खुलकर चर्चा होगी। का महाअधिवेशन 11 अक्टूबर को आगरा के केएनसीसी में आयोजित होगा और पूरे प्रदेश से 60 जिलों में 6 संभागों के तहत 1200 से अधिक उद्यमी इसमें अपनी सहभागिता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की रफ्तार पर उद्योगपतियों के साथ सीधी चर्चा होगी और प्रदेश सरकार के साथ उद्योगपतियों का सामंजस्य और सरकार के अधिकारियों के साथ उद्योगपतियों के सामंजस्य पर पूरा संगठन काम करेगा। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अधिवेशन है। इस अधिवेशन के माध्यम से पूरे देश की आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी के रूप में देखे जाने वाले लघु उद्यमियों को वहाँ से नई गति मिलेगी और सरकार बहुत मजबूती के साथ जैसा सोचती हुई आई है और आगे भी उनके विकास को लेकर सोचेगी। एक्चुअली जैसा कि माननीय योगी जी कहते हैं इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें क्या समस्याएँ आ रही हैं, बहुत कुछ सही हो गई हैं, लेकिन जो वर्तमान में स्थानीय स्तर पर जिला स्तर पर समस्याएँ आ रही हैं उनको हम लोगों ने इकट्ठा किया है हर एक जिले से, क्योंकि आपको मालूम है कि 63 डिस्ट्रिक्ट्स में लघु उद्योग भारती का कार्य है, तो सब जिलों से उनकी समस्याओं को हमने लिया है और उनको संकलित कर हम उसमें जो प्रमुख समस्याएं कॉमन समस्याएं हटाते हुए प्रमुख समस्याओं को उनके सामने रखेंगे ताकि जो व्यवहारिक रूप से कठिनाइयाँ आ रही हैं वो उद्यमियों की दूर हों और लघु उद्यमी अपना तरक्की लगातार कर सके। 11 अक्टूबर को ताज नगरी में आयोजित होने जा रहे उत्तर प्रदेश उद्यमी महाधिवेशन के लिए लघु उद्योग भारती उत्तर प्रदेश ने खासा तैयारियां की हैं। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।